इसके साथ साथ दोस्तों उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा झारखंड पुलिस में जो एक सीट के लिए लगभग दोस्तों कितना कंपटीशन रहने वाला है। जय हिंद दोस्तों, देखिए झारखंड पुलिस 2024 वैकेंसी को यदि आपने फिलअप किया है दोस्तों तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों झारखंड पुलिस ने एकदम इतिहास तोड़ दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार अभी तक दोस्तों झारखंड में इतना ज़्यादा फॉर्म किसी भी वैकेंसी के लिए मेरे ख्याल से नहीं फिलअप हुआ था। इस बार दोस्तों एकदम रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है। साथ ही साथ कैसे आगे का आपका प्रोसेस होने वाला है, एग्जाम कब होगा, रनिंग कब होगा, साथ ही साथ एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट को आपको फाइट करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आप लोगों का भविष्य में जो भी अपडेट आएगा हम सारा अपडेट आप लोगों को बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी झारखंड पुलिस का फॉर्म भरने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, और फिलहाल अभी तक इतना ज़्यादा फॉर्म दोस्तों अप्लाई हो गया है, और किस जिला से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है, 4,919 ये टोटल सीट है। मान के चल लीजिए कि 5,000 आपका वैकेंसी है, ठीक है। और दोस्तों फिलहाल अभी तक का जो डेटा ये निकल के आ रहा है ना, वो लगभग कितना फॉर्म अप्लाई हो गया आप लोगों को पता है, एक अंदाज से यदि हम बताएं दोस्तों तो लगभग दोस्तों 15 लाख से ऊपर आपको फॉर्म फिलअप हो चुका है झारखंड में। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, देखिए एक तो बहुत दिनों से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, एकदम 8 से 10 साल विद्यार्थी वेट कर रहे थे और फॉर्म निकला, वो भी बहुत कम सीट के लिए, तो इसलिए इतना ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो गया, क्योंकि लाखों विद्यार्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। यदि CGL होता है, JPSC होता है तो उतना ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं होता, लेकिन झारखंड पुलिस नाम सुनते ही कोई भी झारखंड का विद्यार्थी वो तो भरेगा ही भरेगा भाई। दूसरी बात, आउटसाइडर भी हैं, बाहरी राज्य के स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, इसलिए संख्या जो है एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये संख्या दोस्तों अभी बढ़ेगा। मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख फॉर्म और अभी अप्लाई होगा, और यदि अप्लाई करने का डेट बढ़ भी जाता है तो फिर फॉर्म दोस्तों और भी भराएगा। लास्ट में बहुत ज़्यादा दोस्तों स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फिलहाल जो डेटा लगभग 15 लाख से ऊपर दोस्तों फॉर्म फिलअप हो गया। अब सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से भरा रहा है पता है, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप हो रहा है दोस्तों वैसे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर जनरल कैटेगरी का सीट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि आप गिरिडीह को ले लेंगे तो वहाँ पर सीट अच्छा खासा है, ठीक है। पहले तो स्टूडेंट क्या किया है, हम जैसा आप लोगों को बताए थे कि पहले तो अपना कैटेगरी देखना कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, यदि SC हो तो SC का देख लेना कहाँ सीट है, वहाँ भर देना, इसके बाद आप जनरल को चुनोगे। लेकिन जो आउटसाइडर हैं, जो बाहरी राज्य के विद्यार्थी, वो क्या करेंगे, वो तो केवल जनरल से अप्लाई करेंगे, तो वो तो वही जिला चुनेंगे ना जहाँ पर जनरल का सीट ज़्यादा है। तो जनरल का सीट जहाँ ज़्यादा है वहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एकदम फॉर्म को अप्लाई किए हैं, और ऐसा नहीं है झारखंड के भी स्टूडेंट जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, क्योंकि बहुत जिलों में ऐसा है कि वहाँ पर सीट ही नहीं है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, दूसरे जिले जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि जिस जिला में ज़्यादा वैकेंसी है वहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म को भरे हैं, ठीक है। सब ऐसा ही लगभग पोस्ट प्रेफरेंस आपका यहाँ पर डाला है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एक सीट के लिए लगभग दोस्तों कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। इस बार आपका जो ये टास्क है वो बहुत ही टफ होगा, आपको एकदम बढ़िया प्रिपरेशन करना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बात बताएंगे। तो देखिए यदि मान लेते हैं ये 5,000 है दोस्तों, और लगभग 15 लाख यदि मान लेते हैं वैकेंसी है, तो एक सीट के लिए लगभग दोस्तों आपको 300 स्टूडेंट को फाइट करना होगा, ठीक है। 300 स्टूडेंट को पछाड़िएगा तब एक सीट यहां पर दोस्तों आपका होगा, लेकिन इसको देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी होगा, ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट भी आएगा। आपने देखा होगा कि झारखंड CGL का जब फॉर्म भराया तो लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म भराया, लेकिन दोस्तों जब रिजेक्शन लिस्ट आया ना तो लगभग 80,000 फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि विद्यार्थी कुछ ना कुछ भर के अप्लाई कर दिया था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है, जो भी गलत सलत कुछ भी डाल दिए हैं, फोटो सिग्नेचर पेमेंट वगैरह नहीं किया तो उसका तो रिजेक्ट होना तय है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को फॉर्म रिजेक्ट भी होगा, तो इसको देख करके घबराना नहीं है। साथ ही साथ इस बार जो पहला प्रोसेस आपका फिजिकल है,
ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है, फिजिकल। तो इतना मान के चलिए दोस्तों कि 40 से 50% स्टूडेंट जो है वो यहीं पर छटाएगा फिजिकल में, ठीक है। फिर आपका मेडिकल में भी कुछ स्टूडेंट छटाएंगे। इतने विद्यार्थी एग्जाम तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। एग्जाम तक लगभग आधे विद्यार्थी दोस्तों पहुंचेंगे, क्योंकि सब अप्लाई कर दिया है, जो फिजिकली हो सकता है हाइट थोड़ा सा कम है वो भी कर दिया। तो दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों को तो छाटेगा ही छाटेगा। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है। पहले फिजिकल है, फिर आपका मेडिकल है, इसके बाद दोस्तों आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। तो ये है झारखंड पुलिस में दोस्तों इस बार प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल कब तक होगा, ध्यान से सुनिए। तो देखिए यदि फिजिकल डेट की बात करेंगे दोस्तों तो अभी चल रहा है फरवरी, ठीक है, और अभी फॉर्म लगभग खत्म होने वाला है अप्लाई होकर के, ठीक है। अभी करेक्शन का भी डेट देगा, 2-3 दिन तो डेट देगा ही। जो जो विद्यार्थी फॉर्म भरने में कुछ भी गलती कर दिए हो सुधार लेना याद करके, ठीक है। हो सकता दोबारा मौका ना मिले, तो यदि एडिटिंग का टाइम दे रहा है तो उसका फायदा उठाइए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि मेरा आधार कार्ड का नंबर गलती डाला गया है, कोई बोल रहा है मेरा कुछ गलती हो गया जाति निवासी भरने में, ये वो मिस्टेक हो गया। तो जो भी गलती हुआ है ना उसको सुधार लेना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आपका एडमिट कार्ड फिर रिलीज नहीं होगा यदि आप नहीं सुधारिएगा तो उसको याद करके सुधार लीजिएगा। और जब टाइम देगा सुधारने का तो उस वक्त सर्वर बहुत बिजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भरने में मिस्टेक किया है, बहुत सारे ने मिस्टेक किया, तो आपको भी सुधार लेना है यदि आपने मिस्टेक किया है तो दोस्तों हम बता रहे थे यहां पर दौड़ का डेट। तो देखिए मार्च में दोस्तों आपका तो फिलहाल यहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है, मान के चलिए कि अप्रैल और मई में आपका चुनाव है, तो चुनाव के बीच आचार संहिता के बीच दौड़ कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर तो फोर्स की डिप्लॉयमेंट होगी तो झारखंड पुलिस का दौड़ कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो जहां तक दोस्तों बहुत ज्यादा संभावना है कि जून महीने में आपका दोस्तों यहां पर दौड़ होगा, ठीक है। जून या जुलाई तक दोस्तों आपका दौड़ जा सकता है, हो सकता है कि मई खत्म होते भी आपका दौड़ करवा दे, ठीक है। यदि झारखंड सरकार चाहेगी तो करवा भी सकती है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि परीक्षा कब होगा, तो परीक्षा दोस्तों आपका रनिंग करवाने के 2 महीना बाद तो आपका एग्जाम लेगा ही लेगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि सितंबर 2024 तक आपका यहां पर एग्जाम लेने का संभावना है, ठीक है। ये हम पॉसिबल डेट्स बता रहे हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप एकदम कमर कस लीजिए, फिजिकल का एकदम जीतोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपसे बहुत ज़्यादा धुरंधर विद्यार्थी हैं। बहुत सारे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट दौड़ेंगे, तो आपको भी पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना। आप समझ लो कि मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन का आपको फेस करना होगा, इसलिए रनिंग का एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। भले फिजिकल क्वालिफाइंग है, लेकिन यदि आप बढ़िया फिजिकल परफॉर्म नहीं करोगे तो आप वहाँ डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। फिजिकल में कोई भी नंबर नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा झारखंड पुलिस में जो फिजिकल के साथ साथ अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। यदि आप सोचोगे कि हम दौड़ निकाल लेंगे तब हम पढ़ेंगे, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। आप यदि फिजिकल के साथ साथ स्टडी करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि फिजिकल के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, तब आपका सितंबर 2024 तक एग्जाम होगा। और फाइनल जो कट ऑफ बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा, वो आपका लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा का ही वैल्यू है, दौड़ का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन परीक्षा तक पहुँचने के लिए आपको दौड़ पास करना पड़ेगा, ठीक है। दौड़ पास आपको करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों झारखंड पुलिस के कुछ बेसिक डिटेल्स। तो इस बार कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है, बहुत दिनों से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। जब ये वैकेंसी लास्ट कब आया था, 2015 में, तभी याद करो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 8-7 में होंगे, वो अभी 18 का हो गया है और मैट्रिक भी पास हो गया है, तो वो सब भी भरेगा ना, तो बहुत सारे विद्यार्थी भरेंगे, ठीक है। और एज में भी अच्छा खासा छूट दे दिया, तो जिनका एज भी छूट रहा था वो भी अप्लाई करेंगे। तो हर तरह के विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, सीट भले कम निकला हो लेकिन इसी में सब चाहेगा कि हम भी इसी में एक सीट ले लेंगे। तो यदि आप इस भीड़ में शामिल हो रहे हैं तो अपने अंदर कुछ यूनिक चीज ला करके शामिल होइए, ठीक है। अपने अंदर उस काबिलियत को बनाओ, जो जो प्रोसेस है हर प्रोसेस में अपने आप को माहिर करो। सबसे मेन जरूरी है एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है, साथ ही साथ आउटसाइडर भी हैं, ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पेपर 1 में हिंदी है और पेपर 2 में भी हिंदी है,
ठीक है भाई। तो हिंदी यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आप हिंदी को छोड़ रहे हो ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, हिंदी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।